इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट पोजीशन पे, उस पूरे फिनोमिना को और उस पूरे चैप्टर को जो हम स्टडी करेंगे उस पोर्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है बस। नहीं, जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती हैं वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड कैसे है? अगर एक बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो दूसरी बॉडी गेन करेगी। जैसे हम NaCl में देखते हैं, Na प्लस चार्ज लूज करता है और Cl नेगेटिव वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज होता है वो इस नंबर का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल नंबर का। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं क्यू, दैट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये एन ई क्या है? ये ई है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, अब एन जो है वो इंटीग्रल नंबर है 1 2, यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी बॉडी के पास मान लेते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम उतना उस बॉडी के पास चार्ज होगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 × −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम उतना उस बॉडी के पास चार्ज होगा। अब एम की जगह मैं 1/2 या 2/3 नहीं लिख सकता, क्योंकि चार्ज कभी 1/2 या 1/2 ऐसे नहीं होगा। हाँ, हम लोग क्वार्क्स की बात बात करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2/3, लेकिन वो जो क्वार्क्स होते हैं वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हम लोग क्वांटाइजेशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरियंट, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम बना लेता हूँ। सपोज ये मेरा ओरिजिन है ओ। ओके, अब यहाँ पे एक कार है मैं मान लेता हूँ, और इस कार के पास टोटल चार्ज है प्लस क्यू, और ये प्लस एक्स डायरेक्शन में 2 m/s की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अच्छा, एक और कार है, ठीक है, वो भी, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी नाम देता हूँ, वो भी 2 m/s से इसी डायरेक्शन में है, ट्रेवल कर रही है। ओके, 2 m/s से मैं मान लेता हूँ इसके पास टोटल चार्ज प्लस क्यू है। अब मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मैं बी कार को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो वो मोशन में है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बी कार को ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो बी कार ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन अगर सेम मैं बी कार को ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो उसके पास टोटल चार्ज 2q ही रहेगा, और अगर मैं बी कार को ही ओरिजिन से देखूंगा तब भी उसके पास टोटल चार्ज 2q ही रहने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, यानी कि चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जबकि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि रेस्ट और मोशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास। अब कोई भी बॉडी है, जैसे आप इस पेन को ही देख लें तो ये एक न्यूट्रल पेन है। ठीक है, अब मैं इसको रब करके या फ्रिक्शन से किसी तरीके से इसको चार्ज कर सकता हूं, तो ये कुछ मास है, तो मास के पास चार्ज हो जाएगा। ओके, लेकिन बिना मास की कुछ है ही नहीं, तो चार्ज कहां से आएगा उस पे? तो इसलिए दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट अ चार्ज। मास जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ये बॉडी, ये पेन बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि ये न्यूट्रल है अभी।
ठीक है, लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ मास, चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है ना, सॉरी, अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज अपने अराउंड में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, कब? जब वो रेस्ट पे होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, हालांकि हम नेक्स्ट पोर्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पढ़ा ही है। जैसे अगर मैं बार मैग्नेट बनाऊं तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सिमिलरली कह रहा हूं मैं कि जो एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सिमिलरली एक चार्ज के अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब उनकी डिटेलिंग हम लोग इस सारे चैप्टर में वही पढ़ना है हमने, और तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो एक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो जब ये रेस्ट पे है ना चार्ज, ये चार्ज जब रेस्ट पे है ना, तो इसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। ओके, क्यों होगी, कैसे होगी, ये सब हम आगे देखेंगे। अच्छा, बट अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है सिर्फ मैग्नेट से ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज से भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। ओके, ये सब हम आगे नेक्स्ट पोर्शंस में देखने वाले हैं। व्हाइल अ चार्ज इन एक्सिलरेटेड मोशन, अब पहले रेस्ट की बात हुई, फिर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, उसके बाद एक्सिलरेटेड मोशन की बात हो रही है। जब चार्ज एक्सिलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ये भी हम लोग आगे कमिंग चैप्टर्स में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो आज का ये टॉपिक था हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थैंक यू।